Welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss with you general knowledge section, chapter 5, class 3, animals you know. आज हम कुछ animals के बारे में जानेंगे और उनके facts के बारे में. First one is, lions usually hunt alone at night. Lions usually hunt alone at night. ज़्यादातर lions क्या करते हैं? अकेले शिकार करते हैं. किस समय? रात के समय वो अकेले शिकार करना पसंद करते हैं. साइलेंटली कीपिंग एन आई ऑन देयर प्रे. साइलेंटली कीपिंग ऑन देयर आई ऑन प्रे. वो क्या करते हैं? अकेले शिकार करते हैं रात में. और वो क्या करते हैं? अच्छे से उसके शिकार पर आग गड़ाए रखते हैं. नंबर टू, जिराफ इज नोन टू बी द टॉलेस्ट एनिमल. इट्स नेक इज अबाउट 2 meters लॉन्ग. जिराफ इज नोन बी ए टॉलेस्ट एनिमल. सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ. उसका नेक 2 meters तक लंबा है. नंबर थ्री, द लामा ए काइंड ऑफ गोट. ए गोट लाइक एनिमल फाउंड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में गोट जैसा दिखने वाला एक एनिमल है जिसका नाम है लामा. इट इज़ वेरी स्ट्रांग. वो बहुत शक्तिशाली है. इट कैन कैरी ए लोड ऑफ अप टू 60 kg ऑन इट्स बैक. वो क्या कर सकता है? इट कैन कैरी ए लोड ऑफ 60 kg ऑन इट्स बैक. अपने पीठ पर 60 kg तक 60 kg तक लोड वो कैरी कर सकता है. इतना स्ट्रांग है. दिखने में वो गोट की तरह दिखता है. साउथ अफ्रीका में दिखाया जाता है. नंबर फोर, एलिफेंट्स कैन बी वेरी जीनियस. एलिफेंट्स भी बहुत बुद्धिमान हैं. जैसे कि ए फीमेल एलिफेंट एडॉप्ट्स ए बेबी एलिफेंट दैट हैज़ लॉस्ट इट्स मदर. ए फीमेल एलिफेंट एडॉप्ट ए बेबी एलिफेंट. फीमेल एलिफेंट क्या करती है? जो कि माँ एलिफेंट होती है, मदर एलिफेंट, बच्ची को गोद लेती है, बेबी एलिफेंट को. जिसकी माँ गुम हो जाती है वो क्या करती है? उस बेबी एलिफेंट को गोद ले लेती है. नेक्स्ट, ज़ेब्रास आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका. ज़ेब्रा सिर्फ अफ्रीका में ही दिखाए जाते हैं. द स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज कन्फ्यूज द एनिमीज. ज़ेब्रा सिर्फ अफ्रीका में दिखाए जाते हैं और उनके बॉडी के ऊपर जो स्ट्रिप्स होते हैं, काले काले दाग होते हैं, उनके दुश्मनों को कन्फ्यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, लेदर बैक टर्टल डू नॉट हैव सेल. लेदर बैक टर्टल्स डू नॉट हैव सेल्स. जैसे टर्टल्स के पीठ के ऊपर सेल होता है, उसी तरह जो लेदर बैक टर्टल्स हैं उनके पीठ पर सेल नहीं होता. क्या होता है? पीठ पर जो चीज़ होती है उसे वो क्या बोलते हैं? दे हैव हार्ड स्केल्स कॉल्ड स्कर्ट्स. उनके पीठ पर लेदर स्केल, लेदर बैक टर्टल्स के पीठ पर जो होता है उन्हें वो क्या बोलते हैं? स्कर्ट्स. देयर स्मूथ लेदर स्किन कवर्स ए फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स ऑफ बोन. जैसे क्रोकोडाइल्स के पीठ पर जैसे होते हैं हार्ड स्केल्स होते हैं, उसी तरह लेदर बैक टर्टल के पीठ के ऊपर वो हार्ड स्केल्स होते हैं, उसे स्कर्ट्स बोलते हैं. दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल टर्टल. सारे टर्टल से वो ज़्यादा बड़ा है और बहुत ताकतवर है. दे कैन ग्रो ओवर 1.75 meters लॉन्ग एंड वेट ओवर 900 kg. वो लंबाई में 1.75 meters तक लंबा हो सकता है और वजन में 900 kg तक वो बढ़ सकता है. नेक्स्ट, डॉल्फिन्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स. डॉल्फिन्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वाटर एनिमल. डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान प्राणी है. ऐसा क्यों है? दे शो सिमिलर काइंड्स ऑफ इमोशंस एज ह्यूमन बींग्स. जैसे ह्यूमन बींग्स अपने इमोशंस शो करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, उसी तरह डॉल्फिन्स भी ह्यूमन के इमोशन को समझता है और वो दिखाता भी है. नेक्स्ट, लास्ट वन इज, लिजर्ड्स शेड देयर टेल्स व्हेन दे आर इन डेंजर. लिजर्ड्स शेड देयर टेल्स व्हेन दे आर इन डेंजर. लीजर्स जब डेंजर में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने टेल को सिर्फ हिलाते रहते हैं. डू यू नो बेबी ज़ेब्राज कैन स्टैंड एंड वॉक विद इन एन आवर ऑफ देयर बर्थ. क्या आपको पता है? ज़ेब्रा के जो बेबी होते हैं
जन्म के सिर्फ एक घंटे में ही वो चलना और दौड़ना शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 6 माइटी डायनासोर्स। माइटी डायनासोर्स, डू यू नो डायनो मीन्स टेरेबल। डायनो मीन्स टेरेबल मतलब डेंजर, एंड शॉर मीन्स लीजर्ड। शॉर मीन्स लीजर्ड, तो बड़ा भयंकर लीजर्ड को डायनासोर बोला जाता है। डायनासोर मीन्स टेरेबल लीजर्ड, भयंकर छिपकली, बड़ी छिपकली। तो दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली, डेंजरस टेरेबल लीजर्ड कौन है? डायनासोर, जो कि अब यहाँ हमारे पृथ्वी पर नहीं है। हुई मूव बाय स्टीवन स्पेलबर्ग वॉज अबाउट डायनासोर्स। आज कुछ डायनासोर्स के बारे में पढ़ेंगे। डायनासोर्स आर द ओल्डेस्ट रेप्टाइल्स, दे डोंट एक्सटिंक्ट ऑन अर्थ एनीमोर। डायनासोर्स आर द ओल्डेस्ट रेप्टाइल्स, डायनासोर हमारे पृथ्वी पर सबसे पुरातन सरीसृप हैं, जो कि अब वो नहीं रहे। दे यूज टू लिव ऑन द अर्थ अंटिल अबाउट 248 टू 65 मिलियन ईयर्स एगो। बहुत ज़्यादा, बहुत पहले वो मर चुके हैं, लुप्त हो गए हैं। फास्ट डायनासोर इज स्टेगोसोरस। स्टेगोसोरस, देखिए इसका पिक्चर। दिस डायनासोर हैड ह्यूज स्पाइक्स ऑन इट्स बैक एंड ऑन इट्स टेल। स्पाइक्स, स्टेगोसोरस का बैक पे कैसे स्पाइक्स दिए गए हैं, उसे वो क्या करता है, अपने दुश्मनों को उससे मुकाबला करता है। नंबर 2 वेलोसिरेप्टर। वेलोसिरेप्टर, इट कैन ऑन टू हैंड लेग्स एंड 4 टोड क्लॉड फिट। इट रैन ऑन 2 हैंड लेग्स। देखिए उसका जो बॉडी के स्ट्रक्चर है, पहले 2 छोटे छोटे पैर हैं और पीछे वाले 2 बड़े बड़े, जैसे लाइक कंगारूस, कंगारूस की तरह उसका एक लंबा सा मोटा सा पूंछ है। इट्स यूज्ड इट्स हैवी स्टिफन टेल टू बैलेंस द वेट ऑफ इट्स ओन बॉडी, हेड एंड बॉडी। वो क्या करते हैं, अपने जो लॉन्ग टेल है, जैसे कि वो कंगारू की तरह दिखता है, वो क्या करते हैं, अपनी टेल से अपनी बॉडी की वेट को बैलेंस करता है। नंबर 3 पैचीशेफालोसोरस। पैचीशेफालोसोरस, द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, हैड डोम्ड हेडेड लिजर्ड विथ थिक स्कूल अबाउट 25 सेंटीमीटर। दे हैड स्मॉल बोनी कॉर्प्स एंड स्पाइक्स व्हिच कवर्ड देयर स्नाउट। दे हैड नो नी कैप्स। ये जो पैचीशेफालोसोरस है, दिखने में थोड़ा थोड़ा वेलोसिरेप्टर की तरह है। द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड हैड डोम्ड हेडेड, उसका हेड थोड़ा डोम की तरह है, सर्कल की तरह। थिक स्कूल अबाउट 25 सेंटीमीटर। दे हैड स्मॉल बोनी नर्व्स एंड स्पाइक्स, उसके छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं जैसे क्रोकोडाइल्स के हैं, छोटे छोटे। व्हिच कवर देयर बॉडी स्नाउट। दे हैड नो नी कैप्स, उसके नी कैप्स नहीं हैं, वो दिखने में थोड़ा थोड़ा पीछे, उसके छोटे छोटे स्पाइक्स है। स्टेगोसोर की तरह वो बड़े बड़े स्पाइक्स दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे होते हैं। लास्ट वन सिंटासोरस। सिंटासोरस, दिस 10 मीटर लॉन्ग प्लांट ईटिंग डायनासोर्स। ये जो सिंटासोरस है वो प्लांट ईटिंग एनिमल है, और ऊपर जो 3 डायनासोर के बारे में हमने पढ़ा, वो सब फ्लैश ईटिंग डायनासोर्स हैं। और सिंटासोरस एक प्लांट ईटिंग डायनासोर है। हैड ए लॉन्ग बोनी क्रेस्ट ऑन टॉप इट्स हेड, उसके हेड के ऊपर एक छोटा सा, जैसे कि जिराफ का जैसा होता है उसी तरह है। जिराफ का छोटा है और इसका थोड़ा बड़ा है। आज हमने 4 माइटी डायनासोर्स के बारे में पढ़ा, जो कि है सबसे पुरातन ओल्डेस्ट रेप्टाइल्स ऑन अर्थ। आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।